हम लोग पिछले वीडियो में 13 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखे, 500 के गुणनखंड कितने होंगे। हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए जानते हैं, इसका प्राइम फैक्टर ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे और सभी के पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 500 दो से लगाएंगे 250 बार में, ये दो से नहीं लगेगा ना तीन से लगेगा, ये पांच से लगेगा, फिर पांच से लगेगा पांच बार में। देखिए दो मेरा एक दो, यानी कि दो के पावर हम लोग दो लिख सकते हैं इंटू पांच, पांच तीन बार है तो पांच के पावर तीन लिख सकते हैं। हम लोग को चूंकि गुणनखंड निकालना है तो पावर में एक एक ऐड कर देंगे। देखिए दो के पावर दो है तो दो, दो में एक ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पांच के पावर तीन है तो तीन में एक जोड़ देंगे, 2+1 3 हो जाएगा और 3+1 4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा इसका आंसर 12। अब 15 नंबर क्वेश्चन आइएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 500 के सभी गुणनखंड का योग क्या होगा। 500 के सभी गुणनखंड का योग क्या होगा। देखिएगा 500 के सभी गुणनखंड का योग क्या होगा, हम लोग को योग पूछा है तो योग देखिएगा, योग क्या होगा हम लोग को। देखिए हम इतना नहीं करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, हम यहीं से चलते हैं। इसका गुणनखंड पहले निकालेंगे तो मेरा यही आएगा, 2 के पावर 2, 5 के पावर 3। अब योग बोला है तो हमको जीरो से चलना है तो 2 के पावर 0+2 के पावर 1+2 के पावर 2, मतलब जीरो से जहाँ तक पूछ दिया हुआ है, यानी दो तक दिया हुआ है, 2 का पावर 2 है तो जीरो से करेंगे, 2 के पावर 0+2 के पावर 1+2 के पावर, क्योंकि योग पूछा है। देखिए गुणन सभी गुणनखंड का योग, गुणनखंड पूछा था तो हम लोग पावर में एक एक जोड़ कर बना दिए, बट इसमें योग बोला है तो योग में जीरो से लेकर जहाँ तक दिया वहाँ तक चलेंगे, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई देंगे, फिर जीरो से चलेंगे, 5 के पावर 0+5 के पावर 1+5 के पावर² + 5 के पावर³। ये मेरा है। अब यहाँ से देखिएगा, अब हम बताए थे कि कोई भी संख्या पे अगर 0 पावर हो तो उसका मान 1 हो जाता है 1, और 2 का पावर 1 तो 2 ही होगा, +2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, गुना 5 के पावर 0 1 ही होगा, 5 के पावर 1 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए 4 2 6 1 7 हो गया, गुना देखिए 25 25 130 हुआ, सॉरी 150, 25 25 150 हुआ, 155 और 156। अब 156 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 7 42 के 2, बाकियात में 4, 5 7 75 35 और 4 39 के 9, बाकी हाथ में 3 और 7 और 3 10, यानी कि 1092 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, 1092 मेरा आंसर हो गया। वैसे ही 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 500 के विषम गुणनखंड। हाँ ये देखिए नया क्वेश्चन आया है, थ्योरी में बताए थे 500 के विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड बताए थे, विषम गुणनखंड बताए थे, अभाज्य गुणनखंड बताए, 500 के विषम गुणनखंड क्या। देखिए 500 के विषम गुणनखंड, देखिए 500 का गुणनखंड कर लीजिएगा, पहले तो यही निकालेंगे तो हम ये वाला लिखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसके कारण, थोड़ा सा 2 के पावर 3 5 के पावर 3, यहाँ तक समझ में आ रहा ना कि 500 का ही निकाले थे, 500 का ही निकाले थे तो यही सिर्फ लिख दिया हूँ, क्योंकि सभी का कोई भी चीज़ पूछे सभी का फैक्टर पहले निकालना है, फैक्टर ये वाला निकालना, तो मैं यहाँ शॉर्ट में चले, आप लोग कॉपी में नोट्स में बना लीजिएगा, 2 के पावर 2 हो गया। देखिए हमको क्या बोला विषम, तो विषम में बताए थे कि सम वाला को हटा देना, तो 2 मेरा सम है ना तो उसको हटा देना है और सिर्फ विषम वाले पावर में 1 जोड़ देना है, 3+4 4 इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे, 17 नंबर पर क्वेश्चन देखिएगा, 500 के सम गुणनखंड कितना होंगे।
500 के सम गुणनखंड, कितने होंगे? देखिए 500 का हम डायरेक्ट लिखते हैं, 2 की पावर 2 था, 5 की पावर 3 था। अब हम बताएं थे अगर सम गुणनखंड बोले तो सम वाला पे पावर जो रहेगा, सम पे जो पावर रहेगा उसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ जैसे वैसे लिख देना गुना, और इस पे ऐड करना 3+1 यानी कि 4 हो जाएगा। इसका आंसर 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सम भाजकों की संख्या, सौ का सम भाजकों की संख्या। देखिए हम बताए थे आपको भाजक बोले या गुणनखंड बोले या आपका गुणक बोले, तो सम है, यहाँ विषम था, यहाँ विषम था ना, यहाँ भी सम भाजकों, सेम चीज पूछा है। तो सौ का पहले गुणनखंड, सौ का पहले ये निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दो बार में, तो मेरे कितना आया, दो के पावर दो, 5 के पावर 2। 18 नंबर क्वेश्चन में सौ का सम भाजकों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका फैक्टर निकाले तो 2 कितने बार 2 बार, 2 का पावर 2 हुआ, 5 2 बार, तो 5 के पावर 2 हुआ। अब सम बोल रहा है तो सम पे जो पावर रहेगा उसमें एक ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही लिख देना, तो सम 2 के पावर 2 है तो सिर्फ 2 लिख देना है, गुना 5 के पावर 2 है, 5 विषम है तो इस पे पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो 2+3 2+1=3, 2×3=6 इसका आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है 12 और 16 न्यूनतम सर्व गुणज, 12 और 16 का न्यूनतम सर्व गुणज इनटू गुना बोला है। देखिएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 12 और 16 न्यूनतम सर्वगुणज, 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा अच्छे से इसको, 12 और 16 का, 12 और 16 का न्यूनतम सर्वगुणज इनटू 10 और 15 का न्यूनतम सर्वगुणज, यानी कि इसका न्यूनतम सर्वगुणज निकालेंगे कि इसका 12 और 16 का, तो 12 और 16 का पहले निकालते हैं, 12 का फैक्टर तोड़ते हैं, दो बार में लगाएंगे, फिर दो बार में लगाएंगे 3, तो मेरा 12 का कितना आ गया, न्यूनतम सर्वगुणज कितना आ गया, 2×2×3, ठीक है। अब क्या बोला है 16 का, तो 16 का भी तोड़ लेते हैं, 16 का तोड़ रहे हैं, फिर 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, तो मेरा 16 का न्यूनतम सर्वगुणज निकालना, तो इसके सामने सामने लिख देंगे 2×2×2×2, यही है 16 का। तो देखिएगा इसमें कॉमन लेना होगा क्योंकि न्यूनतम सर्वगुणज बोला है, तो इसमें कॉमन लेंगे, देखिए ऊपर का 2 नीचे का 2 मिल रहा है, तो 1 कॉमन हो गया इसका, और देखिएगा नीचे का फिर सेकेंड टाइम का मिल रहा है कॉमन, फिर इसका कॉमन लीजिएगा। अब 2-3 कॉमन नहीं है, 2 अलग है, तो ये कॉमन नहीं है, तो जो जो कॉमन है इसको एक बार लिखेंगे, 2 कॉमन लिए एक बार, फिर दूसरा कॉमन लिए 2 इसका एक बार, फिर मेरा ये तीनों बचा हुआ है, तीनों को गुना कर देना है,
ये मेरा 2 2 जा 4, 4 3 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, इसका 48 आ गया। अब हमको ठीक उसका निकालना पड़ेगा, जैसे 12 और 16 का न्यूनतम सरगुणज कितना आया, 48। अब 10 और 15 का वही काम करेंगे और दो इसका और 10 और 15 का जो सर्व न्यूनतम सर्वगुणज आया उसको गुना कर देंगे, क्योंकि गुना बोला है। तो अगले पेज में देखिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब बोला है 10 और 15 का, 10 का फैक्टर तोड़ेंगे पहले, 2 टाइम्स में लगाएंगे, ये अब नहीं लगेगा। फिर 15 का लगाते हैं, अब नहीं लगेगा। अब देखिएगा, 10 का न्यूनतम सर्वगुणज 2 × 5 है, 15 का न्यूनतम सर्वगुणज 3 × 5 है, तो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को लिख देंगे। और ये कॉमन नहीं है, देखिए 3 अलग है 2 अलग है, तो इसको जस्ट गुना कर देंगे, 15 × 15, 15 × 2 = 30। और उसका आया था 12 और 16 का आया था कितना, 48, और गुना बोल रखा है 48 × 30 करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना आएगा, 1440। गुना कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था, 19 नंबर, हाँ यही आंसर है इसका। अब 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, सिक्स के पावर 3 × 3 के पावर 14 × 11 के पावर 7 × 6 के पावर 4 में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड हम लेक्चर में बताए थे, सेकेंड वीडियो में बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड बोले तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर को जोड़ देना। कब, जब विषम संख्या होगा, तो ये सॉरी अभाज्य संख्या होगा, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 है, 65 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहले इसको देखेंगे, अभाज्य बनाएंगे पहले, 6 के पावर 3 है, 3 के पावर 14 है, 11 के पावर 7, 65 के पावर 4। देखिएगा, 6 अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 3 फैक्टर है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, तो ये भाज्य हो गया, कंपोजिट नंबर है। लेकिन हमको इसको बनाना है क्या, प्राइम नंबर। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, 3 × 2, 6 को लिख सकते हैं, 3 × 6, 3 × 2, 3 × 6, तो उसका उस पर होल पावर 3 कर सकते हैं। फिर देखिएगा, 3 तो मेरा है ही, 11 भी है, 65 नहीं है, क्योंकि वो 1 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और 65 से भी कट रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, इसको प्राइम नंबर बनाना है। कंपोजिट मतलब होता है भाज्य, और प्राइम मतलब होता है अभाज्य। तो हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे हैं, तो सारे का अभाज्य बनाएंगे तभी ना, तो अभाज्य करना पड़ेगा। 65 का गुणनखंड तोड़ देते हैं, थर्टीन 13 × 65, 3 × 5 कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से अरेंज कर देंगे, 3 पे पावर 3, देखिए 3 × 2 के होल क्यूब है, तो 3 पे भी क्यूब होगा, 2 पे भी क्यूब होगा, तो सबको अलग अलग लिखेंगे ना, तो 3 3 पे पावर क्यूब, 2 पे पावर क्यूब, 3 पे पावर 14, 11 पे पावर 7, 2। अब देखिए 13 × 5, यानी कि उस पूरा पे है, तो दोनों पे है, तो हम लोग अलग अलग लिख देंगे। अब हम लोग को कुछ नहीं, पावर को ऐड कर देना है सिर्फ, देखिए 3 3 6, 6 14 20, 20 7 27,
27 और 4 31, 31 4 35, कितना हो गया 35। इसका आंसर कितना आ जाएगा 35। कितना ईजी है। अगर जब भी अभाज्य गुणनखंड बोले तो हम लोग को पावर ऐड करना है, लेकिन पावर ऐड करने के पहले हम लोग को एक चीज़ में ध्यान रखना है कि सारा नंबर जो है पहले मिला लेनी है कि अभाज्य है कि नहीं। देखिए तीन अभाज्य है क्योंकि इसका दो ही फैक्टर है। देखिए तीन अभाज्य है ना, एक से कट रहा है, तीन से कट रहा है, ग्यारह भी एक से कट रहा है, ग्यारह से, लेकिन 65 भाज्य हो गया, अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका दो से ज़्यादा फैक्टर है। और छः देखिए, छः का भी दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो उसको देखिए हम भाज्य बनाने के लिए, अभाज्य बनाने के लिए ऐसे करना पड़ा, तीन गुने दो, तीन दुनी छः कर सकते हैं ना, इसको होल क्यूब कर दिए। अब देखिए 65 भी अभाज्य नहीं है, तो इसको भी बनाएं 13 × 5, 13 × 65 होता है, देख लीजिए। बस इस वीडियो में यहीं तक, आगे का क्वेश्चन अगला वीडियो में करेंगे।